इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। तो एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन प्रोसीड करने से पहले वी हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। आपको ये चीज़ याद रखना है कि कंसेंट ऑफ द पेशेंट, कोई सा भी एग्जामिनेशन आप करने जा रहे हो, वेदर इट्स एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, या तो फिर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या तो जनरल एग्जामिनेशन, आप कोई सा भी अगर एग्जामिनेशन करने जाते हो तो फर्स्ट मेक श्योर दैट यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। ये इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस आप डिस्प्ले करते हो पेशेंट को, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दिस ऑल्सो फिच यू मार्क्स इन द इनिशियल एग्जामिनेशन प्रोसीजर। ओके, तो आज मैं अपना कॉन्सेंट स्टार्ट करता हूँ कि हाउ टू टेक द कॉन्सेंट। तो हेलो, मेरा नाम डॉक्टर वकास है, मैं आज आपके पेट की जाँच करने वाला हूँ। तो क्या मैं इसकी जाँच कर सकता हूँ? अच्छा, आपका नाम क्या है? विजय। अच्छा विजय, ठीक है। तो ये पेट की जांच करना होगा मुझे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेट जाना होगा। आपका सर वहाँ पे रहेगा और पैर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आप लेट जाइए, ठीक है। और इसके लिए आपको अपनी शर्ट भी उतारनी होगी। हाँ, आप उतार दीजिए अपनी शर्ट। तो वी विल नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स आवर एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इनका एब्डोमेन है। तो एब्डोमेन को सबसे पहले हम लोग इसमें टोटल 9 क्वाड्रेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 9 क्वाड्रेंट्स मतलब कि ये वाला जो साइड है, दिस इज़ और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये है एपिगैस्ट्रियम, दिस इज़ द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये अम्बिलिकल रीजन है, दिस इज़ द राइट लंबर रीजन, दिस इज़ द लेफ्ट लंबर रीजन, फिर ये राइट इलियाक रीजन हो या राइट इलियाक फोसा इसको बोलते हैं, एंड दिस इज़ द ये नीचे है तो इसको हाइपोगैस्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द लेफ्ट इलियाक रीजन, ओके, और लेफ्ट इलियाक फोसा, ओके। तो ये जो 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं, वी हैव टू रिमेंबर दैट देर आर 2 लाइन्स, दिस इज़ द सब कोस्टल लाइन और इसको बोलते हैं ट्रांस ट्यूबकुलर लाइन, एंड 2 इंग्वाइनल वर्टिकल लाइन्स होते हैं। जो 2 वर्टिकल लाइन्स होते हैं, दीज आर द इंग्वाइनल लाइन्स, ठीक है, मिड इंग्वाइनल लाइन्स होते हैं, जो 2 वर्टिकल लाइन्स होते हैं, ठीक है। तो एक मिड इंग्वाइनल लाइन यहाँ से पास होगा, दूसरा मिड इंग्वाइनल लाइन यहाँ से पास होगा। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था अबाउट द क्वाड्रेंट्स, टोटल 9 क्वाड्रेंट्स और 2 वर्टिकल लाइन, जो हमारा मिड इंग्वाइनल लाइन था, एंड 2 ट्रांसवर्स लाइन, वन वॉज द सब कोस्टल लाइन एंड द सेकेंड वन वॉज द ट्रांस ट्यूबकुलर लाइन, ओके। सो नाउ विल बी प्रोसीडिंग विद द इंस्पेक्शन पार्ट। अब इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमेन में सबसे पहला चीज़ जो याद रखना है, इसमें टोटल इंस्पेक्शन में 9 पॉइंट्स होते हैं। जो सबसे पहला चीज़ याद रखना है वो होता है कॉन्टूर। कॉन्टूर मतलब कि आपको देखना है कि एब्डोमेन का जो कॉन्टूर है वो कैसा है। तो ये एब्डोमेन का कॉन्टूर हमें फ्लैट मिल रहा है, बट ये कॉन्टूर डिस्टेंडेड भी मिल सकता है कोई एबनॉर्मल केसेस में। ये तो इनका फ्लैट कॉन्टूर है। डिस्टेंडेड कॉन्टूर इज सीन इन वॉट 5 चीज़ों में आपको डिस्टेंडेड कॉन्टूर मिलेगा। नंबर 1 इज़ लाइक इन फीटस, लाइक प्रेगनेंसी में, फीटस में। सेकेंड इज़ योर फ्लैटस, ओके, बहुत ज़्यादा अगर उसमें लाइक एसिडिटी और ये सब हो। थर्ड थिंग इज़ एनी फ्लूड विच इज़ फिल्ड, लाइक एसाइटिस में फ्लूड बहुत ज़्यादा फिल्ड होगा तो उसमें मिल सकता है। देन द फोर्थ इज़ अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है, फैट बहुत ज़्यादा है तो उसमें मिल सकता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज़ फीकस, अगर फीकस कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, बहुत ज़्यादा फीकस उसमें जमा हो गया तो उसमें मिल सकता है। तो डिस्टेंडेड कॉन्टूर हमें मिल सकता है 5F, व्हाट आई हैव टीच्ड यू राइट नाउ। एंड अगर वो डिस्टेंडेड नहीं हो, दूसरा एक एबनॉर्मलिटी हो सकता है कि रिट्रैक्टेड हो, इनका पेट बहुत ज़्यादा अंदर सट गया हो, तो रिट्रैक्टेड कॉन्टूर जो है वो किस में मिलेगा? वो मिलेगा इन केसेज ऑफ वेट लॉस, या बहुत ज़्यादा सीवियर वेट लॉस हो जाता है तो पेट जो है वो एकदम अंदर चले जाता है। एंड दूसरा इज़ योर एनी इमेसिएशन, क्रोनिकली अगर कोई स्टाफ्ड रहे, ओके ओके। सो कॉन्टूर वी हैव डिस्कस, नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सरफेस। अभी ये जो सरफेस है, ये सरफेस में सेकेंड पॉइंट हमारा सरफेस है। सरफेस में वी हैव सीन कि इनका सरफेस जो है इसमें इट इज़ टोटली नॉर्मल, कोई वो नहीं है, लेकिन अगर इनको कोई पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो यहाँ पर इनको डिस्टेंडेड वेन्स दिखाई देगी, ओके। This is one of the abnormalities of surface. The third thing which we have to see is about pigmentation. Pigmentation मतलब क्या कि यहाँ पे we can see that there is no pigmentation, कोई भी pigment नहीं है, but in case of pregnancy there is linear nigra.
उसमें आपको पिगमेंटेशन भी मिलता मिलता है, ठीक है। तो फोर्थ इज़ योर अपियरेंस ऑफ द अम्बलाइकस। नाउ आप इनका अम्बलाइकस देख सकते हो, दैट इज़ इनवर्टेड। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो या मैसिव एसाइटिस हो, अगर सपोज़ ये इनको बहुत ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, मैसिव एसाइटिस हो गया, तो इनका जो अम्बलाइकस होगा दैट विल बी इवर्टेड, ओके। एंड द फिफ्थ वन इज़ द हर्नियल साइट्स। अब हर्नियल साइट्स में ये चीज़ याद रखना है कि हर्नियल साइट्स टोटल एक अम्बलाइकल रीजन में होता है, एक इंग्वाइनल रीजन में होता है, एक फ्यूमरल रीजन में होता है। तो ये जो हर्नियल साइट्स होते हैं, ये चीज़ को हम कैसे चेक करते हैं, हम वी विल लाइक हम पेशेंट को बोलेंगे कॉफ करने के लिए, तो आप एक बार चेहरा उधर करिए और एक बार खांसिएगा, ओके। तो व्हेनेवर लाइक द सब्जेक्ट इज कॉफिंग, तो वो इंपल्स में आपको हर्नियल साइट्स में आपको ये मास लाइक अपीयरेंस, आपको स्वेलिंग आपको दिखेगा व्हेनेवर ही इज कॉफिंग। लाइक अगर वो कफ कर रहे हैं, अम्बलाइकल हर्निया रहेगा, तो यहाँ पे यू विल गेट दैट इम्पल्स, ठीक है। आपको उसमें लाइक अपीयरेंस ऑफ द स्वेलिंग आपको दिखना स्टार्ट होगा। अब इफ सपोज ही इज़ हैविंग इंग्वाइनल हर्निया, ही इज़ कफिंग, तो यहाँ पे उनको वो स्वेलिंग ड्यूरिंग द कफिंग वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस द फाइव साइंस ऑफ ये इंस्पेक्शन में, फाइव चीज़ें हम क्या क्या देखेंगे। नाउ अभी जो रिमेनिंग जो थ्री है, फाइव हो गया, सिक्स सेवन एट, ये जो रिमेनिंग थ्री है, दिस इज़ अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ एब्डोमेन। तो एब्डोमेन का जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है, ही इज इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन में वी विल सी फर्स्ट थिंग जो हम लोग देखेंगे, जो हमारा सिक्स पॉइंट है, दैट इज़ द पल्सेशन। पल्सेशन में क्या है कि वेदर वी कैन सी एनी काइंड ऑफ पल्सेशन और नॉट, इसमें हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो पल्सेशन में अगर एनी ऑफ द पल्सेशन इज़ प्रेजेंट, लाइक अगर यहाँ पे इनको कोई पल्सेशन मिल रहा है ऐसा कुछ, तो दैट कैन बी ए केस ऑफ डिसेक्टिंग एओर्टा, ओके। और अगर यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन में कोई पल्सेशन एब्सेंट है, जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक भी पल्सेशन हमें नहीं दिख रहा है, तो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल केसेस। देन द सेकेंड वन इज़ द पेरिस्टाल्टिक वेव्स। इन द पेरिस्टाल्टिक वेव्स वॉट वी हैव टू सी कि नॉर्मली ये केसेस में हमें कोई पेरिस्टाल्टिक वेव्स नहीं मिल रही है, बट इन केसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो पेरिस्टाल्टिक वेव्स आपको दिखना, लाइक इसमें यू कैन सी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। देन द थर्ड इज़ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। अब रेस्पिरेटरी मूवमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे कि इनका जो एब्डोमिनल वॉल है दैट इज़ प्रोट्यूडिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये जैसे सांस ले रहे हैं तो ये प्रोट्यूड हो रहा है, इंस्पिरेशन में प्रोट्यूड हो रहा है एंड रिट्रैक्ट हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ठीक है। सो दिस इज़ नॉर्मल, बट ऐसे कोई एबनॉर्मल केसेस में लाइक ये वाला सिनेरियो आपको नहीं मिलता है, ठीक है, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंस्पेक्शन, नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी डिस्कसिंग अबाउट पैल्पेशन, ओके। सो वी हैव डिस्कस इंस्पेक्शन, अभी हम लोग पैल्पेशन पे आएंगे। इंस्पेक्शन में आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना था, आपको हाथ नहीं लगाना था। पैल्पेशन में आपको यू कैन मतलब यूज़ योर हैंड्स, आपको पैल्पेट करके ही देखना होता है। तो पैल्पेशन में ऑलवेज रिमेंबर कि आपको पहले जो इंस्ट्रक्शन देना है वो है कि द सब्जेक्ट शुड बी लाइंग, और सब्जेक्ट को उसका थाइस सेमी फ्लेक्स करने बोलना है। तो आप ये पैर को ऊपर उठा लीजिएगा दोनों, बस हाँ, ये भी बस, ठीक है। तो वंस द लाइक हिज लेग्स आर सेमी फ्लेक्स्ड, ओके, तो अब हम इस पर पैल्पेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब ये पैल्पेशन में याद रखना है आपको कि आपको यू हैज़ टू यूज़ योर हैंड, और ये हैंड जो रहेगा वो फ्लैटेंड रहेगा, ठीक है, हैंड शुड बी फ्लैटेंड। एंड जैसे जैसे वो इंस्पिरेशन करेंगे, आपको मुंह से सांस लेना होगा और सांस अंदर खींचना होगा मुंह से, और सांस बाहर छोड़ना होगा, ठीक है। तो व्हेनेवर ही विल बी इंस्पिरेटिंग, आप एक बार सांस अंदर लो, ठीक है, देन यू हैव टू इंसर्ट योर हैंड, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इंस्पायर करेंगे तब आपको इंसर्ट करके यू हैव टू फील द ऑर्गन्स, कि ऑर्गन्स में क्या क्या लाइक इज़ देयर एनी स्वेलिंग और नॉट, ठीक है, ठीक है, अभी नॉर्मल रहो। तो पैल्पेशन में दो चीज़ों में वो है, वन इज़ द सुपरफिशियल पैल्पेशन, द सेकंड इज़ द डीप पैल्पेशन। तो सुपरफिशियल पैल्पेशन में क्या करना है कि सुपरफिशियल पैल्पेशन में फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नोटिस इज़ द फील ऑफ द एब्डोमेन। फील ऑफ द एब्डोमेन मतलब इनका जो एब्डोमेन है दिस इज़ इलास्टिक, ओके। मैं ये क्या फील कर रहा हूँ,
कि जैसे इंस्पायर कर रहे हैं आई एम इंसर्टिंग माई फ्लैट दिस हैंड और यहाँ पे आई एम फीलिंग द फील ऑफ द एब्डोमेन. तो ये इलास्टिक टाइप है, ठीक है. तो दिस इज नॉर्मल केसेस, नॉर्मली दिस इज इलास्टिक फील. लेकिन अगर इनको कोई गार्डिंग या रिजिडिटी मिलती है तो उसमें रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है. दिस रेजिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन. इसको गार्डिंग या रिजिडिटी बोलते हैं. देर इज लोकलाइज रेजिस्टेंट, ठीक है. ओके, द सेकेंड थिंग इज टेंडरनेस. अभी मैंने नॉर्मल इलास्टिक देखा, सेकेंड इज योर टेंडरनेस. अब मेरे को टेंडरनेस देखना है कि इनको कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है. तो ये चीज़ पैल्पेशन में वी विल कम टू नो. द थर्ड थिंग इज लोकल टेम्परेचर ऑल्सो, कि अगर वो टेम्परेचर रेस्ट है कि नहीं है. रिमेंबर दैट वी आर डिस्कसिंग दिस सुपरफिशियल पैल्पेशन. ओके ओके, तो ये पैल्पेट करके वी हैव टू सी. देन द फोर्थ इज द प्रेजेंस ऑफ हर्निया. तो हर्निया का प्रेजेंस भी हम लोग देखेंगे. तो हर्निया का प्रेजेंस कहाँ कहाँ देखते हैं. वन इज़ द अम्बिलिकल रीजन, सेकेंड इज द इंग्वाइनल, एंड द थर्ड इज द फ्यूमरल रीजन. तो इनको हम कॉफ कर, एक बार खांसी आप, ठीक है. तो जैसे कॉफ कर रहे हैं तो वी हैव टू फील द मूवमेंट ऑफ द मास ड्यूरिंग कॉफिंग, ठीक है. तो इंग्वाइनल, अम्बिलिकल और सॉरी दिस इज अम्बिलिकल, दिस इज इंग्वाइनल एंड फ्यूमरल रीजन. तो ये चीज़ें भी देख लेंगे. एंड वी विल फील द इम्पल्स ड्यूरिंग द कॉफिंग. वो जैसे जैसे खांस रहे थे उसमें हमें इम्पल्स भी फील होता है. तो ये चीज़ें हमने चार चीज़ डिस्कस किया. एंड देन वी विल ऑल्सो फील सम ऑफ द पल्सेशन ऑफ ये एब्डोमेन. तो अगर कोई एबनॉर्मिलिटी रहा, कोई डिसेक्टिंग एबडोमिनल एओर्टा रहा या कोई एनोरिज्म रहा या ऐसा कुछ रहा, तो लिटरली यू विल फील द पल्सेशन ऑफ द एब्डोमेन. वो आपको फील होगा. अभी ऐसे तो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं फील हो रहा है, बट उसमें पल्सेशन आपको फील होगा ड्यूरिंग सुपरफिशियल पैल्पेशन, ठीक है. एंड ऑफकोर्स एनी अदर आपको स्वेलिंग या ट्यूमर देखने के लिए यू हैव टू डू अ सुपरफिशियल पैल्पेशन. तो याद रखिएगा कि इसमें ज़्यादा डीप वी डोंट हैव टू इंसर्ट. हमें ज़्यादा पोक नहीं करना है, ज़्यादा डीप नहीं वो करना है, सिर्फ सुपरफिशियली वी हैव टू पैल्पेट. तो ये था पार्ट अबाउट सुपरफिशियल पैल्पेशन. नाउ सेकेंड होता है डीप पैल्पेशन. अब डीप पैल्पेशन में क्या क्या चीज़ें देखना है. डीप पैल्पेशन में तीन चीज़ें देखना होता है. फर्स्ट वन इज़ द लिवर, सेकेंड इज़ द स्प्लीन, एंड थर्ड इज़ द किडनी, ठीक है. तो लिवर, स्प्लीन, किडनी. अब ये डीप पैल्पेट करने के लिए वी हैव टू इंसर्ट और हैंड. अच्छे से आपको हैंड इंसर्ट करना होगा. वी हैव टू मेक दिस फ्लैट. एक बार आपने फ्लैट कर दिया, फ्लैट के बाद आपको रेडियल बॉर्डर ऑफ द हैंड से यू हैव टू फील, ठीक है. आपको फील करना होगा लाइक यू विल बी स्टार्टिंग. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि अगर मैं लिवर को जा रहा हूँ पैल्पेट करने, तो लिवर को पैल्पेट करने के लिए आपको मुँह से सांस लेना है अंदर और सांस छोड़ना है, ठीक है. तो लिवर को पैल्पेट करने के लिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट इंग्वाइनल रीजन अप टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, ठीक है. तो आप मुंह से सांस लीजिए और छोड़िए. तो ये जैसे सांस ले रहे हैं तब मैं अपना ये अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है. देन वो जैसे छोड़ रहे हैं, फिर से सांस लीजिए, ठीक है. देन आई एम गोइंग. एंड इसमें देर शुड बी अ रोटेटरी मेटाकार्पो फेरेंजियल, रोटेटरी मेटाकार्पो फेरेंजियल मूवमेंट होना चाहिए. एंड यू डोंट हैव टू पोक लाइक दिस. अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं जाना है. आपको ये हल्का सा रोटेट करना है एंड देन यू हैव टू गो, ठीक है. जैसे सांस लेंगे आपको हल्का सा रोटेट करना है एंड देन यू हैव टू फील. एंड मेन जो चीज़ है आपको यहाँ पे उसका बॉर्डर फील होगा. तो ये जो रेडियल साइड ऑफ द हैंड है इस पर आपको इसका लिवर का इन्फीरियर बॉर्डर आपको फील होगा. तो इफ़ सपोज़ द लिवर, ऐसे तो नॉर्मल जो केस होता है लिवर का, वो अगर वो एनलार्ज हो गया, अगर वो लाइक देर इज हेपैटोमेगाली, फॉर सपोज इन हेपैटोमेगाली इज सीन इन मेनी डिसीजेज लाइक सिरोसिस ऑफ लिवर में मिलता है आपको, कालाजार में मिलेगा, मलेरिया में मिलेगा, इसमें हेपैटोमेगाली मिलता है, यू नो. तो इसमें अगर कभी भी लाइक इनका लिवर अगर डाउनवर्ड्स की तरफ अगर बढ़ा है, तो वी विल फील दिस एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर वाया दिस रेडियल साइड ऑफ द हैंड, ठीक है. तो ये चीज़ हो गया. अभी आते हम लोग स्प्लीन पे. स्प्लीन के लिए हम लोग को डायगनली जाना होता है. लिवर के लिए हम लोग ने राइट इलियाक फोसा से लेके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम तक गए थे, है ना. तो अब इसमें कैसे जाना है, हमें राइट इलियाक फोसा से लेके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम जाना है और उसको डायगनली जाना है. तो आप जैसे सांस लोगे, सांस लो एक बार, ठीक है. तो ये जैसे सांस ले रहे हैं और सांस, तो आई एम इंसर्टिंग माई हैंड, ठीक है. तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, मुझे जाना है एंड आई हैव टू फील
द स्प्लीनिक बॉर्डर, जो उसका इन्फीरियर बॉर्डर है विद द नॉच, वो फील होगा मेरे ये रेडियल सरफेस ऑफ द हैंड से, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि लीवर के लिए आपको राइट इलियाक फोसा से लेके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जाना होता है ऐसे, और स्प्लीन के लिए यू हैव टू गो फ्रॉम राइट इलियाक फोसा टू डायरेक्टली टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, डायगनली जाना होता है। एंड डायगनली जाके यू हैव टू फील वाया दिस रेडियल साइड ऑफ द हैंड से आपको फील करना होता है। तो लीवर और स्प्लीन दो चीज़ हमने डीप पैल्पेशन में किया। तीसरा जो डीप पैल्पेशन में करते हैं दैट इज़ योर किडनी। तो किडनी कैसे देखेंगे, किडनी के लिए आपको एक हाथ यहाँ पे रखना होगा बैक साइड ऑफ द ये पेशेंट पे, आपने एक हाथ यहाँ पे रखा है इनके लंबर रीजन में और दूसरा हाथ आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, एक बीनीथ द फ्लैंक और दूसरा अबव दिस, ठीक है। और आपको चेहरा आप उधर कर लीजिए और सांस लीजिए। तो ये जैसे जैसे सांस लेंगे वी हैव टू सी दैट वेदर दिस इज बैलोटेबल और नॉट। बैलोटेबल मतलब कि बैलोटेबल मतलब एक किडनी होता है वो ऊपर नीचे, अगर हम उसको ऐसे ऐसे लाइक दिस इज लाइक अ पिन बॉल, वो कैसे अगर वो स्वेल अप होगा तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो नीचे जाएगा, नीचे से अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो ऊपर आएगा, तो वो बैलोटेबल बोलते हैं किडनी को, बाय मैनुअली बैलोटेबल। तो ऐसे हम लोग फील करेंगे तो नॉर्मली ऐसे कंडीशन में हमें फील नहीं होता है। अगर किडनी का सपोज स्वेलिंग हो गया है तो उसमें किडनीज आर बाय मैनुअली बैलोटेबल। इनफैक्ट ये कोई सा भी पैथोफिजियोलॉजी हो, अगर हेपेटोमेगैली हो, स्प्लीनोमेगैली हो या एनलार्जमेंट ऑफ किडनी हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पैल्पेशन में पॉजिटिव मिलेगा, आप पैल्पेट कर सकोगे। नॉर्मल केसेस में यू कैनॉट पैल्पेट, ठीक है। तो एक्सटर्नल कैन आस्क यू व्हाट आर द सिचुएशन जिसमें आपको हेपेटोमेगैली मिलेगा, स्प्लीनोमेगैली मिलेगा। तो हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, सबसे नंबर वन पहले आप बताओगे आंसर, दैट इज़ योर मलेरिया, ठीक है। मलेरिया बोलोगे, फिर कालाजार बोलोगे, हेपेटोमेगैली इज़ ऑल्सो सीन इन योर सिरोसिस ऑफ लीवर, और भी बहुत सारे जो लीवर डिसीजेस होती हैं उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पैल्पेशन, ठीक है, ओके ओके। अभी हमारा जो थर्ड मेजर स्टेप है दैट इज़ द परकशन। परकशन के लिए ऑलवेज रिमेंबर कि परकशन के लिए वी हैव टू यूज़ और लाइक बोथ द हैंड्स और उसमें परकस करना होता है, ठीक है। तो परकस में ऑलवेज रिमेंबर कि आपको परपेंडिकुलरली परकस करना होता है। तो अभी हम लोग इनका जो एब्डोमेन है उसको हम लोग परकस करेंगे। तो आपको एक लाइक जो आपका डोमिनेंट हैंड है, सपोज आई एम राइटी, तो आई एम यूजिंग माई राइट हैंड, ठीक है, और इसको कहाँ पे परकस करना होगा, ये आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है, आपको ऐसे नहीं रखना है, आपको ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है, मिडल फिंगर के मिडल फैलिंग्स पे यू हैव टू परकस, ठीक है। तो इसमें जब भी आप परकस करोगे मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस रिस्ट, ओके, रिस्ट मूवमेंट हो रहा है, हैंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए, देर शुड ओनली बी रिस्ट मूवमेंट। तो आप रिस्ट मूवमेंट से व्हेनेवर यू आर परकसिंग यू हैव टू नोटिस द, यू हैव टू ऑब्जर्व द साउंड कि कैसा साउंड है। तो मैं माइक को थोड़ा करीब लेके जाता हूँ, एक बार सुनने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आपको टिम्पैनिक साउंड सुनाई दे रहा होगा, और डल साउंड कोई सा भी अगर विसरा होगा तो आपको हार्ड विसरा अगर रहा तो उसमें आपको डल साउंड सुनाई देगा। तो परकशन का फर्स्ट स्टेप आपको ये देखना है कि यू हैव टू परकस ऑल ओवर द एब्डोमेन, और जहाँ जहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर यूरिनरी ब्लैडर रहेगा तो डल साउंड मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ जैसे इंटेस्टाइन्स और स्टमक रहेगा तो वहाँ पे हॉलो विसरा है तो आपको थोड़ा टिम्पैनिक साउंड सुनाई देगा, ठीक है। प्लस आपको लिवर भी परकस करना होता है इसमें। तो लिवर परकस करने के लिए आपको सेकेंड इंडोकॉस्टल स्पेस से, हाउ विल यू गेट सेकेंड इंडोकॉस्टल स्पेस, ये जो मैनुब्रा स्टर्नाई होता है इसको जैसे हम ट्रेस करते हैं तो दैट इज़ एट द लेवल ऑफ योर सेकेंड रिब, ठीक है। तो सेकेंड रिब के नीचे सेकेंड इंडोकॉस्टल स्पेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे जाता है। तो यहाँ पे मैनुब्रा स्टर्नाई से जैसे हम ट्रेस करते हैं दिस इज़ योर सेकेंड इंडोकॉस्टल, सेकेंड रिब के जस्ट नीचे सेकेंड इंडोकॉस्टल स्पेस होता है। तो यहाँ पे आई एम परकसिंग, तो यहाँ पे आपको लंग्स होता है तो यू विल गेट अ रेजोनेंट साउंड, ओके ओके। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे जा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग अ डल साउंड, ओके, डल साउंड मुझे मिल रहा है। तो मुझे डल साउंड कौन से एरिया, कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस में मिल रहा है, आई एम गेटिंग अराउंड सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस, वहाँ पे लिवर का जो है वो स्टार्टिंग होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इसमें एक और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सटर्नल पूछता है कि
राइट लंग और लेफ्ट लंग ये दोनों के बीच में, लाइक ये लोग का जो बॉर्डर एंड होता है वो कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस पे होता है, तो राइट का याद रखना, राइट का 6 एंटीरियरली होता है, 8 अगर आप मिड एक्सिलरी पे देखोगे तो 8 इंटरकॉस्टल स्पेस पे एंड होगा, एंड पोस्टेरियरली देखोगे तो 10 होता है, तो राइट का 6 8 10 होता है उसका बॉर्डर पे वो एंड होता है, एंड लेफ्ट का दैट इज 8 10 12 इंटरकॉस्टल स्पेस पे एंड होता है, 8 आगे एंटीरियरली, 8 फिर जो 10 होता है वो मिड एक्सिलरी होता है, और 12 जो होता है वो पोस्टेरियरली एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग 6th इंटरकॉस्टल स्पेस पे पहुँचेंगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग अ डल साउंड, वो आपका लिवर होता है, ठीक है, ओके। तो इसमें व्हेनेवर वी आर, जैसे हमने पर्कस किया, अब पर्कशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका जो फेज़ आएगा इसमें, वो आपको बोलेंगे कि आपको यू हैव टू डिटेक्ट एसाइटिस, ठीक है। आपने लिवर, अपर बॉर्डर ऑफ लिवर को पर्कस कर लिया, एब्डोमेन को कर लिया, ठीक है, अभी आपको एसाइटिस को पर्कस करना होता है। नाउ व्हाट इज एसाइटिस? एसाइटिस में ऑलवेज रिमेंबर दैट देर इज एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, तो उसमें पानी भर जाता है, लिटरली पानी भरा रहेगा। तो अभी कोई सा भी चीज़ अगर पानी भरा है और वो कितना लेवल तक, लाइक देर इज एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, वो चीज़ हम सिर्फ पर्कशन से ही पता कर सकते हैं। तो पर्कशन में जब भी आप कोई कोई अगर लाइक सपोज पर्कस कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग अ साउंड, टिम्पैनिक साउंड अगर आपको ऐसा मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो एरिया में नीचे हवा है, ठीक है। और अगर आपको कोई डल साउंड सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स कि उसमें फ्लूइड है या कोई ऑर्गन या फ्लूइड है, ठीक है। तो असाइटिस में यू हैव टू मेजर, द फर्स्ट थिंग इज लाइक हॉर्स शू शेप डलनेस होता है। हॉर्स शू शेप डलनेस जो होता है उसमें क्या होता है कि अम्बलाइकस से यू हैव टू स्टार्ट पर्कसिंग, ठीक है। और जैसे सपोज ये अम्बलाइकस है तो यहाँ से मैंने पर्कस करना स्टार्ट किया, ओके, तो आई एम पर्कसिंग, तो मेरे को टिम्पैनिक मिलता है। बट जैसे लाइक अगर ये असाइटिस हुआ तो यहाँ पे इनका फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा, तो जैसे मैं यहाँ पे पर्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे पर्कस करता हूँ तो मुझे डलनेस मिलना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे उनका फ्लूइड एक्युमुलेट है। तो यहाँ पे आई विल मार्क एंड आई विल गो इन अ हॉर्स शू शेप फैशन, तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे मार्क करता हूँ, जैसे जैसे पर्कस कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग डल साउंड, ठीक है। तो एक हॉर्स शू शेप्ड फैशन में आई हैव टू पर्कस, एंड वो जो बॉर्डर रहेगा दैट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेजोनेंट साउंड, ओके, द टिम्पैनिक साउंड एंड द डल साउंड। जो टिम्पैनिक साउंड होता है वो एयर होता है, जो डल होता है वो फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये पर्कशन था वाया द हॉर्स शू शेप्ड डलनेस, ठीक है, इसके अपने को पता चला। नाउ द सेकेंड वन इज योर शिफ्टिंग डलनेस। अब शिफ्टिंग डलनेस क्या होता है, ये भी एसाइटिस को हम डिटेक्ट करते हैं। शिफ्टिंग डलनेस में व्हाट वी डू कि वी हैव टू पर्कस, तो यहाँ पे मैं पर्कस करना स्टार्ट करूँगा फ्रॉम वाया द अम्बलाइकस, तो ओके, तो यहाँ पे आई एम गेटिंग ए टिम्पैनिक साउंड। बट जैसे मेरे को यहाँ पे, सपोज मेरे को यहाँ पे डल साउंड मिलना स्टार्ट हुआ, ओके, आई एम गेटिंग, नोटिस करूँगा और मैं सब्जेक्ट को बोलूँगा कि आपको करवट घूम जाना है, तो आप ये बाई करवट घूम जाइए, हाँ घूम जाओ, ओके, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो आप बाई करवट घूम गए, अब बाई करवट से जैसे ही घूम जाएंगे आई हैव टू वेट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट इसलिए वेट करना है क्योंकि इनके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो सेटल्ड हो जाए, ओके, तो जैसे 1 मिनट में वो फ्लूइड सेटल हो जाएगा, तो यहाँ पे नाउ आई एम पर्कसिंग दिस, तो मुझे अभी टिम्पैनिक साउंड सुनाई दे रहा है, पहले यहाँ पे डल सुनाई दे रहा था, वाई, बिकॉज देयर वाज फ्लूइड, अब ये पूरा शिफ्ट हो गया है तो अब मुझे ये टिम्पैनिक सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आई विल अगेन पर्कस, ओके, पर्कस करते हुए मुझे जाना है तो मुझे टिम्पैनिक सुनाई देता है, देन यहाँ पे जब फ्लूइड जब यहाँ पे सेटल्ड हो गया है तो यहाँ पे अगेन आई विल स्टार्ट गेटिंग डलनेस, ठीक है, ये डलनेस मुझे मिलना स्टार्ट होगा, तो आई हैव टू मार्क दिस, दिस वॉज कॉल्ड एज शिफ्टिंग डलनेस। इसमें ये चीज़ पता चलता है कि जो फ्लूइड है उसकी शिफ्टिंग हो रही है, एंड आई एम ऑब्जर्विंग दिस शिफ्टिंग वाया पर्कशन, ठीक है, ओके। तो ये दो चीज़ हो गया, द थर्ड थिंग विच इज़ रिमेनिंग, अभी आप सीधा लेट जाइए, ओके, हाँ इसको हल्का सा ऊपर कर दो, सीधा लेट जाओ, अच्छा ठीक है। द थर्ड थिंग विच इज रिमेनिंग, ये लास्ट है हमारा पर्कशन का, दैट इज द फ्लूइड थ्रिल। हमने हॉर्स शू शेप डलनेस देखा, हमने शिफ्टिंग डलनेस देखा कैसे किया, अब जो लास्ट है वो है फ्लूइड थ्रिल। फ्लूइड थ्रिल में कैसे करते हैं कि आपको अपना हाथ जो है इसको प्लेस करना है यहाँ पे, तो आपका ये जो हाथ है इसको आप ऐसे ऐसे रख दो, ठीक है, ओके, ऐसा आप रख दो, ठीक है।
तो इन्होंने अपना हाथ को ऐसे रख दिया है, मिड लाइन ऑफ द इसमें रख दिया अम्बलिकस में, अल्नर बॉर्डर जो है इन्होंने अपने मिड लाइन में ऐसे रख दिया है, ठीक है। तो वंस दिस इज़ प्लेस्ड, मैं अपना एक हाथ यहाँ पे रखूँगा इनके लेफ्ट फ्लैंक में और एक हाथ से मैं इनको एक बार हल्का सा टिक करूँगा, ठीक है। तो आई एम राइट फ्लैंक में इनको हल्का सा टिक करूँगा और लेफ्ट हैंड में आई एम ऑब्जर्विंग द इम्पैक्ट ऑफ द फ्लूइड थ्रिल, ठीक है। तो मैंने राइट फ्लैंक में इनको टिक किया हल्का सा, अगर पानी भरा रहेगा तो लेफ्ट फ्लैंक में दिस विल टिकल, दिस विल गिव अ इम्पैक्ट ऑन माई लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अगर एसाइटिस का पेशेंट रहा, नॉर्मली तो आपको नहीं फील होगा, लेकिन एसाइटिस का पेशेंट रहा तो अगर जैसे आप राइट में इसको टिक करते हो, ठीक है, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग द फ्लूइड थ्रिल इन द इन योर लेफ्ट हैंड, आपको इम्पैक्ट उसका फ्लूइड थ्रिल का, पानी की तरह एक थ्रिल आपको फील होगा इन योर लेफ्ट हैंड, दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइड थ्रिल, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड थ्री थिंग्स, तो ये हो गया हमारा पैल्पेशन के बारे में जो हमारा थर्ड था। अब फोर्थ में आपको ऑस्कल्टेशन बता देता हूँ, ऑस्कल्टेशन ये लास्ट है। इसमें एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन में वी डोंट गो फॉर ऑस्कल्टेशन, बट इसमें क्या करना है आपको कि ऑस्कल्टेशन में आपको यू हैव टू ऑस्कल्टेट ऑल ओवर द एब्डोमेन और उसमें आपको गर्गलिंग साउंड सुनाई देना है। तो व्हेनेवर आई एम ऑस्कल्टेटिंग दिस, तो जो पेट में जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ साउंड सुनाई देता है वैसा टाइप आपको गर्गलिंग साउंड आपको ऑस्कल्टेशन में सुनाई देता है। यू हैव टू नोट दिस कि अगर कोई भी पैरालिटिक इलियस हो या कोई सा भी ऑब्स्ट्रक्शन या पैरालिटिक इलियस हो जाता है तो उसमें आपको ऑस्कल्टेशन में कोई भी साउंड नहीं सुनाई देता है। सो वी हैव कम्प्लीटेड टूडे एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, ठीक है। थैंक यू गाइज, वी हैव कम्प्लीटेड दिस।